हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं अभी बात करूंगा इंटरव्यू में। जैसे भी आपका इंटरव्यू हुआ, अच्छा, ख़राब, चाहे बढ़िया या बिलो एवरेज या फिर बहुत बढ़िया हुआ है, उसमें कितने नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, उसके बारे में बात करूंगा। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि नंबर कैसे कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ढेर सारे लाइक दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, तो जैसे अभी सिविल इंजीनियर के इंटरव्यूज़ आज आखिरी दिन है, इसके बाद ख़त्म हो जाएंगे इंटरव्यू, उसके बाद मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो इंटरव्यू में नंबर कैसे मिलेंगे, हमारा इंटरव्यू कितना बढ़िया जाएगा, कितना ख़राब जाएगा, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि इंटरव्यू मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में है कि इवनिंग शिफ्ट में है, कि और मेरे इंटरव्यू से पहले किसी बच्चे का इंटरव्यू उन्होंने लिया है कि नहीं लिया है, टेक्निकल क्वेश्चन के मैंने कितने आंसर दिए हैं, कितने आंसर नहीं दिए हैं, जीएस के कितने मैंने आंसर दिए हैं, जीएस किस तरह प्रकार की पूछी जा रही है, उसके बाद कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड के क्वेश्चन होते हैं, उसको मैंने कैसे टैकल किया है, क्या मैं पैनिक हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, और मुझसे जो टीचिंग या डेमो लिया गया है वो मैंने कितना बढ़िया दिया है, या दे पाया हूँ कि नहीं अच्छे से दे पाया हूँ, फिर मुझसे कितना समय लिया गया इंटरव्यू में, फिर कि मैंने जो आंसर दिए हैं उसको कितना जस्टिफाइड आंसर दिया, और मेरा कॉन्फिडेंस कैसा रहा, मैंने कैसे उस तरीके को आंसर को किस तरीके से आई कॉन्टेक्ट दे के सबको कॉन्फिडेंस में लिया है, ठीक है, और मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ कि नहीं हूँ। तो अगर इन सभी पॉइंट्स पे आप फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ। तो मैं इन्हीं से पॉइंट पर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि मॉर्निंग शिफ्ट है कि इवनिंग शिफ्ट है। देखिए, मॉर्निंग शिफ्ट में क्या होता है, इंटरव्यूअर फ्रेश होता है और इंटरव्यू जिसका होने वाला होता है वो भी फ्रेश होता है। तो इंटरव्यूअर क्या होता है, बड़े आराम से आपका इंटरव्यू लेता है, वो 15 मिनट से ऊपर ऊपर ही इंटरव्यू लेता है, आपसे सारी चीज़ें पूछता है, उसके पास समय होता है, तो आप आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं। तो जो जिसका इंटरव्यू थोड़ा लंबा चलता है, ये नहीं कह सकते उसको नंबर ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि देखिए, अगर वो 2-4 क्वेश्चन गलत भी बताएगा तो उससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाने के उसके पास समय होता है, तो वो अच्छे से उसको आंसर कर सकता है, तो वो अपना इंटरव्यू बैलेंस कर लेता है। जो नेक्स्ट चीज़ होती है कि कंपेरिजन बिटवीन स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, सपोज करिए कि आपका मॉर्निंग का पहला ही इंटरव्यू है, तो पिछले दिन जो इंटरव्यूज हुए हैं वो हो सकता है इंटरव्यूअर उसके माइंडसेट में वो चीज़ ना हो, और जिसका इंटरव्यू मान लीजिए 4थे 5वें नंबर पे चल रहा हो, तो उसके पहले उसने 2-3 बच्चों का इंटरव्यू ले चुका है, तो उसके माइंड में एक कंपैरिजन बना हुआ कि पिछले बच्चे का इंटरव्यू ऐसा हुआ था, उसने ऐसे आंसर दिए थे, और ये उससे बढ़िया आंसर दे रहा है कि उससे खराब आंसर दे रहा है, तो इस बेसिस से भी वो मार्किंग करते हैं, ठीक है। फिर क्या बात होती है कि टेक्निकल के क्वेश्चन कितने हमने आंसर दिए हैं, जो ये हमारा इंटरव्यू हो रहा है वो लेक्चरर का इंटरव्यू हो रहा है, तो मोस्टली टेक्निकल चीज़ों पर फोकस की जाएगी, ठीक है। तो जो हमसे पहले बच्चा दिया है या हम जो अभी दे रहे हैं, तो टेक्निकल के क्वेश्चन कितने हम आंसर कर पा रहे हैं, क्योंकि मेजर चीज़ वही है कि हम टेक्निकल के लेक्चरर बनने जा रहे हैं, तो टेक्निकल का हमारा जो आंसर होगा वो कितना बढ़िया हो रहा है। अगर टेक्निकल का आंसर हमारा बहुत बढ़िया जा रहा है, टेक्निकल पोर्शन में हमने लगभग 80-90% हमने आंसर सही दिया है, तो हमारा इंटरव्यू बढ़िया जाना चाहिए, ये मतलब ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। फिर जीएस की बात करें तो जीएस जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली चेयरमैन सर पूछते हैं, वो देखिए आपकी पर्सनैलिटी के लिए पूछा जाता है, आपकी सोशल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाता है कि क्या आप सिर्फ पढ़ाई में ही व्यस्त हैं कि और भी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जीएस के क्वेश्चन, और कई लोगों की क्वेरी ये रहती है कि सर हम जीएस के अगर कोई क्वेश्चन ना बता पाएं, अगर आप जीएस से कोई भी क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे तब भी बात चलेगी, लेकिन हाँ आप कोशिश करिए कि टेक्निकल के सारे आंसर आप दे पाएं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड के कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आप ऐसे क्यों खड़े हुए हैं, बोर्ड में मार्कर ऐसे क्यों रखा है, ये रूम में आप कैसा फील कर रहे हैं, आज आप कैसा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बाहर ऐसा एटमोसफेयर क्यों है, देसी कंडीशन ऐसी क्यों है, पेट्रोलियम प्राइस ऐसे क्यों जा रहे हैं, तो ये आप ऐसी चीज़ों के प्रेजेंस ऑफ माइंड के क्वेश्चन अगर आप तुरंत ऑन द स्पॉट 2-4 सेकंड अपने आप के लीजिए और उसको जस्टिफाइड आंसर अगर आप देते हैं, तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, ठीक है। वो आपसे ये नहीं जानना चाहते कि क्या सही है क्या गलत है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि आपको अवेयरनेस है उसके बारे में आप कितना सही बता पाते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और आप सही आंसर देते हैं, फिर भी अब बोलते हैं कि नहीं 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 ये नहीं, कुछ और आंसर होना चाहिए, वो आपको ऐसा शो करेंगे कि वो जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन अगर आपने आंसर सही दिया तो आप अपने आंसर के पॉइंट पर बने रहिए, उससे डिगिए मत, उस पर आप रहेंगे तो वो मान लेंगे कि हाँ ठीक है, इसको एक कॉन्फिडेंट है इस आंसर पर, इसलिए ये सेंसर से मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर टीचिंग की बात करें तो जो जिन बच्चों का डेमो लिया जा रहा है, तो जिन बच्चों से बोला गया ठीक है आप अपने मन से कोई पॉइंट पढ़ा दीजिए, तो उन्होंने अगर अपने मन से जो पॉइंट पढ़ाया है और अगर वो छोटा पॉइंट लेके पढ़ाया है तो उन्होंने अच्छा पढ़ाया होगा, तो उसके नंबर उनको ठीक मिलेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने गलती ये करी कि सर आप अपने मन से कोई पॉइंट दे दीजिए, तो उन्होंने जब उनके माइंड मन से पॉइंट लिया है तो हो सकता है कि वो कोई और एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आपसे, और अगर आपने वो नहीं बताया तो वो आपके नेगेटिव पॉइंट में जा सकता है, ठीक है। फिर बात करेंगे टोटल टाइम की, जैसे कई बच्चों के इंटरव्यू 25 मिनट 30 मिनट तक चल रहे हैं, कुछ बच्चों के इंटरव्यू 10 मिनट भी चल रहे हैं, कुछ बच्चों के 5 मिनट भी चले हैं, तो देखिए टाइम बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है,
जिसके इंटरव्यू शुरुआत में होंगे उसको जाहिर सी बात उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा, जिसके इंटरव्यू लास्ट में होंगे उसको थोड़ा कम समय मिल रहा होगा। तो कम समय वाला ये ना सोचे कि मेरा इंटरव्यू खराब गया है, क्योंकि अगर उसने कम समय में ही अगर मान लीजिए उससे 5 क्वेश्चन पूछे, अगर उसने 3 के आंसर दिए हैं तो उसको 55 से 60 नंबर के बीच में एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि उसने उससे क्वेश्चन कम पूछे गए हैं और उसने उसके मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर किए हैं। ठीक है, फिर क्या है, टेक्निकल के आंसर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल के आंसर आप घुमा फिरा के मत दीजिए, उनको कॉन्साइज आंसर दीजिए, सीधा आंसर दीजिए। अगर आप आंसर सही करेंगे तो उसके टेक्निकल के प्रोफेसर जो हैं आपको नंबर बढ़िया देंगे। ठीक है, फिर कॉन्फिडेंस बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉन्फिडेंस आंसर सारे दिए हैं, अगर आप ये बोल रहे हैं नहीं सर मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, सर आई एम नॉट वेरी श्योर, और आप आँखें घुमा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, पैर आप हिला रहे हैं, तो ये सब क्या पैनिक सिचुएशन दिखाता है कि आप नर्वस हो रहे हैं, आप आंसर में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, और अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो आप पैनिक कर जाएंगे। तो ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। और अगर आपने कॉन्फिडेंट होकर आंसर दिया है कि सर ये मुझे क्वेश्चन आता है और मैंने इसका आंसर सही दिया, और आपको जो क्वेश्चन नहीं आता आपने उसको ब्लैंकली बोल दिया है कि सर आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, तो वो आपके पॉजिटिव में जाएगा, आपको इसमें शर्माने की बात नहीं कि आपको आंसर नहीं आता। ठीक है, फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो देखिए जो लोग वर्किंग है जो काफ़ी पहले के पास आउट हैं, मतलब 3 साल से पहले के, मतलब 2019 के पहले के जो लोग भी पास आउट हैं, अगर वो कुछ कर रहे हैं और उन्होंने इंटरव्यू में बताया है और उससे रिगार्डिंग जो क्रॉस क्वेश्चन हुआ है उसको उन्होंने जस्टिफाई किया है, तो ऑब्वियसली वो 2 से 5 नंबर एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि वो वर्क कर रहे हैं, वो खाली नहीं बैठे हुए हैं। और जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपने आंसर को जस्टिफाइड किया है कि सर मैं प्रिपरेशन क्यों कर रहा हूँ और क्यों अभी तक खाली बैठा हूँ, उन्होंने जस्टिफाइड आंसर दिया है, तो उसको नुकसान नहीं होने वाला है कहीं से भी इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई, ये वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिस पे आपको ध्यान देना है। इंटरव्यू के मार्क्स इसी पे बेसिस करते हैं, क्योंकि ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसमें नॉलेज का भी टेस्ट होता है लेकिन साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी भी टेस्ट की जाती है। तो ये सारे जो आंसर होते हैं ये आपने कैसे दिए इसके बेसिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं। अब रही बात की मुझे नंबर कितने मिलेंगे, ठीक है, तो नंबर देखिए आपको क्या मिलेंगे, नंबर का एक रेंज है 40 से 70 नंबर, मिनिमम आपको 40 नंबर मिलेंगे और मैक्सिमम आपको 70 नंबर मिल सकते हैं। 40 से कम मिलेगा या 70 से ज़्यादा मिलेगा, इसके लिए चेयरमैन को एक स्पेशल नोट लिख के देना पड़ता है क्यों हमने इसको 70 से ज़्यादा दिया है और क्यों 40 से कम दिया है, दोनों ही केस में नोट देना पड़ेगा। तो इसके बीच में ही नंबर मिलेंगे। तो अगर आपका इंटरव्यू, आपने इन सभी पॉइंट्स को कंसिडर करके आप गेस करिए कि आपने कैसा नंबर, कैसा आपने आंसर दिया है, तो अगर आपने लगभग 50% क्वेश्चन जो मैंने पॉइंट्स बताए उससे 50% पे आप सही पाए गए हैं, तो आपके नंबर 55 से नीचे नहीं मिलेंगे। और अगर आपके इंटरव्यूज लास्ट में हुए हैं और अगर आपने 5 पॉइंट भी इसमें से सही किए हैं तो आपको 60 नंबर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक सविता मैम का पैनल है, सविता मैम के पैनल में जीएस ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल फील्ड के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, अगर उनके क्वेश्चन में से आपने 5 में से 3 सही आंसर किए तो आपको 60 से ऊपर नंबर मिलेंगे। पिछली बार एक इंटरव्यू में ऐसा ही हुआ है, उन्होंने जीएस बहुत ज़्यादा पूछी थी, लोगों को लग रहा था कि वो पीसीएस और सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उनको नंबर अच्छे मिले हैं इंटरव्यूज़ में रिलेटिवली उन पैनल में जिनमें लोगों को लगा कि उनका इंटरव्यू बहुत बढ़िया हुआ फिर भी उनको नंबर एवरेज मिले हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया होगा, आप अपने अपना एनालिसिस कर लीजिए कि आपने कौन कौन से फैक्टर पर ज़्यादा काम किया था और कैसा आपका इंटरव्यू हुआ था, उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। नंबर आपको इसमें से अगर आपने 5 पॉइंट 5 फैक्टर पर आपने सही आंसर दिया तो आपको 55 नंबर से नीचे नंबर नहीं मिलने चाहिए। अगर आपका टेक्निकल अच्छा हुआ है तो आप 60+ नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगता था वो मैंने आपको बताया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।